दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए हैं आशीष कुमार फ्रॉम पानीपत, आई थिंक पानीपत जी सर, जी। पानी। आशीष, बताएं क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? इमिग्रेशन के बारे में कोई सवाल है या कोई और सवाल है, बताएं क्या है, क्या सर, सिचुएशन? इमिग्रेशन के लिए ही सवाल था। एक्चुअली मैं पानीपत में ड्राइविंग की जॉब करता था, एक्सपीरियंस है काफी पुराना। उसके बाद मैंने सर इंडीड से अप्लाई किया था एक जॉब के लिए, तो ओके उसमें मेरे को रिप्लाई आया था सर उनका। मैंने रिज्यूम फॉरवर्ड कर दिया था उनको, तो उसके बाद उनका रिप्लाई आ गया था। मेरी उनसे कंटिन्यूस बात हुई है, तो LMIA के लिए भी वो अप्रूवल दे रहे हैं कि हम LMIA आपको प्रोवाइड कर देंगे। कंपनी का नाम क्या है? ये ट्रकिंग कंपनी है सर। ट्रकिंग कंपनी है। और ये कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं यहाँ पर? कितनी पुरानी कंपनी है ये? नियर अबाउट ये सर 4 इयर्स पुरानी कंपनी है। 8 एम्प्लॉयज इनके पास हैं अभी, और इनके पास नियर अबाउट 5 to 6 ट्रक्स हैं अराउंड। इनकी वेबसाइट भी हमने चेक कर लिया, वेबसाइट फर्जी तो नहीं है, सब प्रॉपर चल रहा एक्चुअली है? सर इनके, मैं बताता हूँ आपको, पूरा बताता हूँ मैं सर। जैसे इनके साथ मेरी कांटेक्ट हुई थी, जो इनके ऑनर है मेरी, जी जी तो मैंने अच्छा। उनसे सारी बातें क्लियर की थी। मैं उनसे मिला भी हूँ, आए हैं वो अभी कहाँ इंडिया। कहाँ मिले? अभी वो इंडिया में आए हुए हैं? ओनर जी, कहाँ पर आए हुए? दिल्ली में मिले आप उनसे? पानीपत मिले? कहाँ मिल गए उनसे? नहीं सर, मैं दिल्ली में मिला हूँ उनसे। अच्छा, ओनर से आप मिल चुके हैं और ओनर ने आपको देख लिया है और ओनर के आपको जॉब देने को तैयार हैं? जी, वो तैयार हैं जॉब देने के लिए। एक्चुअली किस मैं उनके चीज लिए जॉब कर भी रहा हूँ अभी। इस थोड़ा सा धीरे से आगे स्टेप पे किस चीज की जॉब आपको देने को तैयार हैं वो? वो सर लॉन्ग हॉल ड्राइविंग में। अच्छा, लॉन्ग हॉल ड्राइविंग के एक्सपीरियंस आपको है इंडिया में? जी सर, इंडिया में एक्सपीरियंस है। क्या क्या आप लॉन्ग हॉल क्या समझते हैं? व्हाट इज लॉन्ग हॉल ड्राइविंग? आपने क्या क्या चला रहे हैं इंडिया में? मैं लॉन्ग रूट पे ही ट्रक चलाता था। मैं दिल्ली टू गुजरात चलाता था पहले, पंजाब टू अच्छा, गुजरात, दिल्ली टू गुजरात। कितने साल हो गए चलाते हुए? मेरे को 4 साल हो गए टोटल। आजकल जो जॉब चल रही है खत्म हो गई? कह नहीं सर, अभी मैंने लीव कर दिया था एक्चुअली उनसे। जैसे मेरी बात हुई रहे थी हो कि मेरे को शो करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है, उनकी प्राइवेसी वायलेट होती है, दैट्स ओके। तो आपको डिस्पैच का काम वहीं से कर रहे हो? कितना टाइम हो गया डिस्पैच करते हुए? तनख्वाह सर, मेरे को 1 मंथ हो गया इनके पास काम करते हुए। हाँ तनख्वाह का मिल रही है? कितनी जी, हाँ जी, तनख्वाह मिली है? जो है सर वो इंडियन उसके हिसाब से मिल रही है मेरे को। 25,000 मिल रही है यहाँ पे सैलरी। 25,000 आपको तनख्वाह मिल चुकी है? जॉब, जॉब ऑफर लेटर उन्होंने दिया है आपको इंडिया में काम करने के लिए डिस्पैच वगैरह? हाँ, जॉब ऑफर लेटर इंडिया के उस पे तो नहीं मिला मेरे को सर, बट वो ये कह रहे हैं कि हम आपको ना ऑफर लेटर और LMIA वगैरह सब प्रोवाइड करवा देंगे कनाडा के लिए। समझ गया, इट्स ओके। मैं इतना यहां तक बात समझ गया कि जो भी कुछ है दैट्स फाइन। सो आगे आगे प्लानिंग क्या है आपको? आप डिस्पैच का काम अभी कर रहे हो यहाँ पर, डिस्पैच का काम आपको, आप कैनेडियन ड्राइवर से बात करते हो कनाडा के, आपको ये सामान यहाँ लेके जाना, वो सब बातें अभी चल रही हैं? जी, सर वो सब चल रही है। बाइसन से भी मेरी बात चल रही है, बाइसन में भी बात चल रही है, अच्छा, और इनकी कंपनी में भी बात चल रही है, वो तो रेगुलर चल रही है बाइसन के बारे में क्या जानते हो आप? सर। बाइसन जो है इनका, उसमें वो लगा हुआ है ना, इनके ट्रक्स वगैरह लगे हुए हैं सारे के सारे। हाँ, अच्छा, फ्लीट बाइसन कम के। फ्लीट वगैरह जो लगती है ना उसमें। हाँ, तो फ्लीट में इनके ट्रक लगे हुए हैं उनमें। ठीक है, दैट्स गुड। सो दैट साउंड्स वेरी सॉलिड एंड एंड जेन्युइन। सो आगे आगे ये जो ओनर साहब आपको एज ए ड्राइवर के लिए जॉब देने को तैयार हैं, करेक्ट? और आपको आगे ड्राइवर ही बनना है कि डिस्पैच में कंटिन्यू करना है कनाडा आके? ड्राइवर में ही जाना है एक्चुअली। मेरा ये था कि एक बिलीव क्रिएट हो जाए बीच में, हमारे कांटेक्ट हमारा शेयर हो जाए, तो उस वजह से इन्होंने मेरे को यहाँ पे जॉब प्रोवाइड कर दी थी अपने पास ही। जी, दैट्स एक्चुअली अपना गुड, ऑफिस भी शिफ्ट कर रहे थे, इनको अपना एम्प्लॉय भी चाहिए था यहाँ पे। जी अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अब आप ये बताएं कि जॉब ऑफर आपको ड्राइवर का मिल चुका है अभी कि मिलना है? ऑफर लेटर सर मेरे को अभी ये प्रोवाइड करवाएंगे। एक्चुअली सीन ये है, उससे पहले ना ऑफर लेटर से पहले इनको LMIA के लिए देखना पड़ता है, तो उसके लिए शायद एडवर्टीजमेंट इनको कनाडा में करनी पड़ती है। जी सही कह रहे हैं। जी, तो उस चीज के लिए उन्होंने मेरे को क्लियर कर दिया था, तो अभी कह रहे हैं जनवरी में मे बी ये एडवर्टीजमेंट करेंगे, उसके बाद फरवरी में मेरे को LMIA के लिए अप्लाई करेंगे बाई नेम। ठीक है, वो बात अच्छी बातें हैं। LMIA साथ चलता रहेगा, लेकिन LMIA करने से पहले एज अ पोटेंशियल एम्प्लॉय, अगर मैं एम्प्लॉय हूँ आपकी जगह, तो मैं उनसे बोलूंगा भाई साहब मेरे को कोई जॉब ऑफर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिख के तो दो कि इन फ्यूचर अगर आपका LMIA पास होगा, इन फ्यूचर जब मैं वर्क वीजा पे आऊंगा कैनेडा में,
तब मेरे पास जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होगा, क्या हमारी शर्तें हैं, हमें माइलेज के हिसाब से मिलना है, घंटे के हिसाब से मिलना है, दिहाड़ी के हिसाब से मिलना है, महीने के हिसाब से क्या मिलना है, कितने घंटे चलाना है, कौन सा ट्रक चलाना है, कहाँ से क्या करना है, क्या मेरे मेडिकल बेनिफिट्स होंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती हैं एम्प्लॉयमेंट उन सब कॉन्ट्रैक्ट में। चीजें तो आपको वो जो एक एक सेकेंड, सीखने जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट लिसन लिसन फर्स्ट, सुन लो पहले बात। एम्प्लॉयमेंट ऑफर का लेना LMIA पे डिपेंडेंट नहीं है। LMIA तो जनवरी में होगा या फरवरी में, जब भी कभी होगा, दैट इज अ टोटल डिफरेंट एप्लीकेशन। लेकिन उससे पहले एक आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो होना चाहिए कि इन फ्यूचर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ऑफर क्या है। और दूसरी बात यह है कि LMIA के अंदर जो एप्लीकेशन जाएगी उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट ऑफर में जो आपको दिया है वो सारी बातें, इंफॉर्मेशन लिखी जाएंगी कि क्या एम्प्लॉय है वगैरह वगैरह, जो भी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन लिखी जाएंगी। तो इस वक्त अगर मैं आपकी, जब मैं, तो मैं उनसे बोलूंगा भाई साहब पहले एक मेरे को एक एम्प्लॉयमेंट लेटर दे दो, मैं उसको देख के पढ़ के थोड़ा खुश तो हो जाऊँ कि भाई ठीक है दिस इज कमिंग। तो एक बात तो ये करनी है। दूसरी बात ये है कि LMIA जो भी करेगा जैसे भी करेगा वो, या कोई कंसल्टेंट हो या HR का कोई स्टाफ है, तो वो लोग अपने एप्लीकेशन डालेंगे। इट हैज नथिंग टू डू विथ यू। दैट प्रोसेस विल टेक 3 to 4 months, मे बी इवन लॉन्गर। तो एक जब भी उसी वो चीज एप्ली, बात कर मेरे को हाँ जी, उस चीज के लिए उन्होंने बता दिया था कि LMIE में टाइम लगेगा 3 to 4 months का। कोई बात नहीं। तो जब भी वो LMIA पास होगा उसके बाद फिर आप अपनी वर्क वीजा एप्लीकेशन दिल्ली हाई कमीशन में सबमिट करेंगे और वो दिल्ली वाले आपको फिर वो डिसाइड करेंगे आपको वीजा देना ही देना। तो वही चीज सर मैं पूछना चाहता था, जैसे LMIE मेरे को कहीं से मिल रही है उसके बाद जब मैं वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता हूँ तो उसमें क्या कुछ इश्यू आ सकते हैं? बहुत सारे इश्यू आ सकते हैं। इश्यू तो अब इसमें पूरा बहुत लंबा लेक्चर ना हो मेरे जाए, इसमें डॉक्यूमेंट इश्यूज तो बहुत मतलब सारे, दो तीन इश्यूज तो मैं क्लियरली देख रहा हूँ। वो ये जरूर वीजा ऑफिसर ये सोचेगा कि नंबर 1 कि भाई ये कोई ये LMIA का चक्कर तो नहीं है, पैसे का लेने लेने का चक्कर तो नहीं। वीजा ऑफिसर आई एम लुकिंग एट कि भाई ये वाकई ये जेन्युइन जॉब ऑफर है, कंपनी कितनी इस्टेब्लिश है वगैरह वगैरह, उसकी कंपनी की क्रेडेंशियल्स तो वो देखने हैं। तीसरी चीज ये है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो ट्रकिंग का एक्सपीरियंस है इंडिया का, वो उसमें कोई रेलिवेंस है कि नहीं है। आपको लाइसेंस कनाडा में कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कितने दिन बाद मिलेगा, जब तक आपको लाइसेंस मिलेगा नहीं, जब तक आप ट्रकिंग का काम शुरू नहीं कर सकते, तब तक इन द मीन वाइल क्या करोगे, ये वो है। चौथी बात मैं ये जरूर देखूंगा कि आपकी बाकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री, इमिग्रेशन हिस्ट्री वो कैसी है, कहीं और कहीं कहाँ के क्या रिफ्यूजल हुए हैं। कैन आई जस्ट कंप्लीट, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, जस्ट लिसन फर्स्ट। तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, इमिग्रेशन हिस्ट्री क्या है, पुराने रिफ्यूजल्स क्या हैं, वो जरूर मैं, आई वांट टू चेक। आपकी जिसको कहते हैं एडमिसिबिलिटी, आपकी कोई क्रिमिनल केस, मेडिकल केस वगैरह वैसा तो नहीं है। सातवीं जो चीज मैं देखूंगा कि आपका इंग्लिश का है क्या है, IELTS का जो स्कोर है वो कैसा है। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि आपके, विच इज द नंबर 8, कि आपके टाइज क्या है कंट्री ऑफ रेसिडेंस से, व्हाट इज द गारंटी, व्हाट इज द अश्योरेंस कि आप इसको, जो हम वीजा आपको देंगे 1 साल का देंगे या 2 साल का देंगे, उसको आप रिस्पेक्ट करके आप यू हैव एनी इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग बैक टू योर होम कंट्री। सो ये 7 से 8 मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं। ये सारे फैक्टर्स वो एज अ पूरा पिक्चर बना के देखेंगे कि भाई आपके आपके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे वीजा आपको देना ही देना। बोले तो लास्ट जैसे सर आपने ये बोला है कि आप 2 साल के बाद वहां से कंट्री छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए हम क्या चीज उनको शो कर सकते हैं सर? उसके लिए, तो देखिए जो रियलिटी ये है कि जितने भी लोग वर्क परमिट पे जाते हैं कनाडा में, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी इंटेंशन नहीं होती PR बनना। हर एक इंसान PR बनने के लिए जा रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपके जो कंट्री से टाइज क्या हैं, आपके यहाँ जॉब क्या है इंडिया में, आपकी प्रॉपर्टी कुछ है कि नहीं है, पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह जो है, आपके फंड्स कितने हैं, कितने आप ले जा सकते हो, वट एवर जो प्रूफ ऑफ इनकम, तो उसके हिसाब से फिर हम इसको इसको असेस करते हैं। ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ साइंटिफिक प्रोसेस, बट इट्स जस्ट अ सब्जेक्टिव एनालिसिस के भी ये इसके जो कंट्री के टाइज स्ट्रांग, इस फैक्टर्स पे स्ट्रांग है कि नहीं है। तो अगर जिनके स्ट्रांग है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली जिसको भी PR बनना है, जैसे ट्रकिंग लाइन में बनना है, तो उसको, जैसे आप BC जा रहे हैं तो BC में, विच आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, 1 साल है शायद ज़्यादा होना, एक इतने कुछ टाइम काम करने के बाद आप फिर PNP के लिए अप्लाई करके वहां से आप बन सकते हो, तो वो तो PR के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन एज अ वीजा ऑफिसर सिटिंग इन दिल्ली, वी हैव टू चेक वेदर यू नो यू विल लाइकली, एंड इट इज लाइकली यू विल लाइकली रिस्पेक्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द टेम्पररी वीजा, विच इज अ वर्क वीजा। दैट मीन्स कि अगर आपकी PR की फाइल नहीं लगी
पीएन की पीए की फाइल नहीं लगी और कोई और चक्कर नहीं होगा, तो विल यू ओवरस्टे, विल यू वर्क, विल यू वायलेट द कंडीशंस ऑफ वर्क परमिट, विच इज लाइक कि आपका वर्क परमिट किसी और का इशू हुआ है. कई बार लोग कहीं और काम कर लेते हैं या कोई और किसी दूसरे लोकेशन में काम कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ LMIA. तो कितना एक परसेंटेज चांस है कि ये इस इंसान को हम वीजा दे दें और ये उस कंडीशंस को रिस्पेक्ट करेगा, दिस इज व्हाट दे हैव टू जज. एंड यू नो द जॉब ऑफ अ वीजा ऑफिसर इज वेरी डेलिकेट एंड वेरी सेंसिटिव, एंड आई एडमायर द प्रोसेस बिकॉज दे हैव टू मेक दिस डिसीजन, सारे फैक्टर्स को डिसीजन विद इन फ्यू मिनट्स में उनको डिसीजन करना होता है किसको वीजा देना है देना, एंड यू नो दैट्स द नेचर ऑफ द गेम. तो अभी सर वर्क परमिट वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं? वर्क परमिट मिल रहे हैं, बहुतों को मिल रहे हैं वर्क परमिट, क्योंकि मैं तो ज्यादा स्पाउस वर्क परमिट करता हूं, जैसे हस्बैंड वाइफ के, तो वीजास आ रहे हैं. बायोमेट्रिक्स बंद चल रही है शायद? नहीं, बायोमेट्रिक बंद चल रही है वो एक अलग बात है. जिस जिसके बायोमेट्रिक अगर नहीं हो सकते हैं तो ऑफकोर्स दे मे बी पेंडिंग दैट डिसीजन फॉर सम टाइम, पर जिनके बायोमेट्रिक पुराने हो चुके हैं, जैसे पुराने किसी के रिफ्यूजल हो चुके हैं समथिंग, किसी का अगर वो चल रहा है, तो मेरे को एक किसी ने बताया अभी रिसेंटली, इट वॉज नॉट माई क्लाइंट एक्चुअली, के वो इंडिया में थे लेकिन वो बायोमेट्रिक कराने दुबई चले गए, दुबई में बायोमेट्रिक खुले हैं, वहाँ करा गए, आ गए, फिर उनका वीज़ा अप्रूव हो गया, तो वो पॉसिबिलिटी है. बायोमेट्रिक तो एक लोकल एक इशू है, वो तो शायद जनवरी फरवरी में शायद इंडिया में ठीक हो जाए, विच आई डोंट नो. लेकिन बाकी जहाँ जहाँ तक स्पाउस, जहाँ तक वर्क वीज़ा का जो एक सिलसिला है वो तो चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया चल रहा है, रुका नहीं है. एंड सेकंड थिंग सर, जैसे मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, तो मैंने सुना है कुछ बोलते हैं कि गल्फ का ही एक्सपीरियंस वहां पे चाहिए होता है या ऐसा कुछ? वो तो बात ये है ना कि जो मेरा पॉलिसी है, मेरा व्यू है कि अगर आपको मालिक ने पसंद कर लिया, अगर वो मालिक सोचते हैं कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उनके लिए यू नो एक्सेप्टेबल है, सो वीजा ऑफिसर हैज शुड नॉट हैव प्रॉब्लम. इवेंचुअली वेदर यू गो फ्रॉम दुबई और वेदर यू गो फ्रॉम इंडिया और गो फ्रॉम पाकिस्तान और एनी कंट्री, इवेंचुअली फाइनली यू हैव टू गेट अ लाइसेंस इन कैनेडा. वो कैनेडा में आपको लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो आप ट्रक में चढ़ोगे कैसे. जैसे सर आपने बताया था, आपकी मैं वीडियोस भी देखता हूँ, उनके ग्रुप में भी ऐड हूँ, काफी टाइम से ऐड हूँ उनके साथ, मे बी 1 ईयर समथिंग हो चुका है मेरे को उनके साथ ऐड हूँ. तो मैंने ये चीज कंसल्ट किया था तो वो बोल रहे थे कि आपके लिए अगर आप गल्फ से जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा उसमें. वो बात अच्छी से रेफर ट्रकिंग पीपल टू देम, क्योंकि वो भी शायद मिडिल ईस्ट से आए हैं और एक्सपीरियंस लेके और फिर पक्के हुए हैं और लिए, उनका उनका काफ़ी एक लंबी हिस्ट्री है ट्रक ड्राइविंग की और अच्छी वो एडवाइस देते हैं. तो ये तो बात अच्छी है, उन्होंने कही कि ठीक है अगर आप मिडिल ईस्ट से आएंगे ना, आप मिडिल ईस्ट जाएंगे कैसे, अगर कुदरती अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता तो बात अलग थी, अब तो आप आपके पास जो हिस्ट्री है वो इंडिया की है, आप मिडिल ईस्ट में अगर हिस्ट्री बनाएंगे तब तक ये जॉब ना निकल जाए हाथ से. तो वो जो जो परफेक्ट कंडीशंस है उसके बारे में हम क्या कहें, दुनिया में परफेक्ट कंडीशंस होती नहीं है, देयर इज ऑलवेज प्लस माइनस इन ईच सिचुएशन. तो सर इसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं ना, कोई इशू वैसा तो नहीं है इसमें? अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास एक जेन्युइन जॉब ऑफर आया है, LMIA आएगा, बाकी सब कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही हैं, तो अप्लाई करने में देरी क्यों, फिर तो आप एक चांस ले सकते हैं. कंपनी का ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरे सामने कंपनी है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मैं देख रहा हूँ, कंपनी कैसे वर्क कर रही है वो चीज देख रहा हूँ, फ्रॉड नहीं है कंपनी, सबसे बेटर चीज ये है. ये अच्छा आपकी किस्मत खुल गई, पहले के जाने से पहले ही आपको कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में पहले ही आप अवगत हो गए, उनसे पहले पता लग गया आपको. क्योंकि दिल्ली इंडिया में सर आप जैसे कहते हो दिल्ली वालों को बदनाम मत करो, पूरे इंडिया में ही सर बहुत फ्रॉड हो रहा है आजकल, तो उस वजह से मैंने ये कभी नहीं कहा कि दिल्ली वाले को बदनाम मत करो. मैंने ये कहा था कि इंडिया में फ्रॉड बहुत होता है, छोटे शहर बड़े शहर हर जगह से लोग फ्रॉड में फंस जाते हैं, लेकिन उस फ्रॉड में जो लोग फंसाते हैं वो उन लोगों को ज्यादा फंसाते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिनके पास अवेयरनेस नहीं होती, और दिल्ली के लोगों के पास अवेयरनेस थोड़ी होती है. मैं एक्सपेक्ट करता हूं उनके पास अवेयरनेस ऑन एन एवरेज ज्यादा है, लेकिन अगर दिल्ली के वाले लोग भी अगर फंस जाएं तो फिर मैं क्या कहूँ कि फिर तो फिर कोई बच नहीं पाएगा. ये मैंने कहा था. ठीक है सर, तो फिर देखते हैं क्या होता है, बाकी आपके साथ मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में रहूंगा. जी, एक बात की मेरे को खुशी है, क्योंकि वो तो एट रैंडम आपका वो आ गया, मैंने मेरे मन में पता नहीं मूड में क्या आया, मैंने कहा कि बात कर लेते हैं. और आशीष, आपका नाम आशीष कुमार है, मेरा एक दोस्त होता था कॉलेज में, उसका नाम था आशीष था, तो आशीष के नाम सुन के मेरे को कहा कि आशीष से पहले बात करते हैं, अदरवाइज
आई रियली डोंट हैव टाइम एंड मेनी पीपल क्रिटिसाइज मी कि आप सबसे बात क्यों नहीं करते. सो अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट डोंट हैव दैट अटेंशन. आपने टाइम दिया मेरे को, काफी टाइम दिया आपने, उस चीज के लिए थैंक यू. सो और दूसरी बात, खुशी मेरे को इस बात की है कि आपके पास कोई फ्रॉड नहीं है, कोई ऐसा कोई वो ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई आपसे कोई पैसे मांग रहा है कि जी अभी 40,000 रुपए मेडिकल करा लो फलाना, ऐसा कुछ नहीं है. और आपके पास आप मालिक से भी मिल चुके हैं, विच इज वेरी रेयर कि आप पहले ही मालिक से मिल चुके हैं, अदरवाइज मालिक बैठे हैं कनाडा में तो उनसे मिल चुके हैं और वो आपके काम को पसंद कर रहे हैं, उन्होंने आपको काम पे पहले लगा दिया, आप ऑपरेशन से आप वाकफी हो रहे हो. इनफैक्ट कि जो आप ट्रकर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो कनाडा में उनके चला रहे हैं, उनसे भी आपकी बातचीत होती होगी, वो भी इंडियन ड्राइवर्स होंगे, तो उनसे भी आप पूछ सकते हो कि भाई हाँ भाई क्योंकि आई एम नॉट अ ट्रक ड्राइवर, उनसे पूछ सकते हो कि ट्रकिंग लाइसेंस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या कैसे रिटन टेस्ट है, कैसे प्रैक्टिकल टेस्ट है, उसके लिए मैं इंडिया से पहले कुछ तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, एंड उनसे पूछो. आई थिंक ही माइट बी, बट ही इज़ बेस्ड इन कैलगरी, पर उनको सब पता है कि जो क्योंकि ये ट्रकिंग जो लाइसेंसिंग जो सिस्टम है पिछले एक साल से ये चेंज हुआ है, काफ़ी थोड़ा सख्ताई हो गई है, तो आई बेट इट्स नॉट दैट ईजी कि हर एक को ट्रकिंग लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा. यू हैव टू क्रॉस सम यू नो प्रैक्टिकल टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस टू गेट टू द लाइसेंस. वही चीज सर मैं कंफर्म करना चाहता था बस एक बार कि जैसे LMIA मेरे को मिल रही है उसके बाद वर्क परमिट में तो नहीं कोई इशू आएगा. सर जी आपने आपने तो बाजी मार ली, अगर LMIA की तो आपको पता है मार्केट में कीमत बहुत है, LMIA के पीछे तो मारामारी चल रही है सारी दुनिया में, हर एक इंसान कह रहा है कि LMIA मिल जाए, LMIA से पता नहीं हम कौन सा किला जीत लेंगे, और जो चीज दुनिया भटक रही लड़ाई जीती है आपने फिर. जी सर, एक्चुअली सर मैं काफी टाइम से इंडीड पे पोस्ट कर रहा था, अपने जो है CV को पोस्ट कर रहा था मैं काफी लंबे समय से. एक्चुअली मैंने पहले आपकी वीडियोस देखता था मैं, थैंक यू, पहले कंसल्टेंट के पास भी गया मैं, एजेंट्स वगैरह के पास काफी गया हूँ, उन्होंने पेमेंट वगैरह के लिए बोला है मेरे से, बट फिर मैं वीडियोस वगैरह में ज्यादा इंटरेस्टेड था कि पहले वीडियो देख लूँ उसकी इन्फॉर्मेशन ले लूँ उसके बाद कुछ करता हूँ. फिर उसके बाद मैंने एजेंट को तो ये देखा है कि जहां तक है फ्रॉड मिलेंगे यहाँ पे 90% फ्रॉड है. ये बहुत बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा फ्रॉड का, लेकिन ये बात जरूर है आपकी आपकी कोशिश और आपकी मेहनत से ये साबित हो गया कि जो लोग कहते हैं कि जी जॉब मिलती नहीं है, कैसे जॉब मिलेगी कनाडा की, जो आपने इंडीड में बैठ के आपने जॉब तलाश करी और रेज्यूमे कई बार भेजा होगा, हजारों रेज्यूमे भेजे होंगे, हजारों बात ईमेल करी होगी, टोटल 4 महीने का टाइम लगा मेरे को एक जॉब मिलने में. ठीक है, तो इसका इसका मतलब ये है कि सागर में मोती है, अंदर ढूंढने पे कहीं ना कहीं मोती मिलेगा. ऊपर से हम बोले कि जी सागर खाली है, जी खारा पानी है, कैसे जाए, क्या मिलेगी, कैसे जाएंगे, मेहनत का फल मीठा आपको मिला है और आपको जॉब मिली है, तो इंडीड में अगर कोई बैठ के अगर कोई इतने महीने थोड़ा सा मेहनत करे तो कहीं ना कहीं उसको उसकी किस्मत खुल सकती है, तो ये आपने ये इसको प्रमाणित कर दिया आपने. और कोई सवाल कोई सामने है क्या? कोई नहीं सर, और कोई नहीं है, बस बताइए इसी टाइम काम होता है वहाँ पे. जी 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 अभी तो ड्राइवर चल रहे होंगे, आज तो फ्राइडे है यहाँ पर, या डिस्पैच का काम तो ये है, बाकी यार I have never worked as a trucker. I don't have any direct experience working in a trucking line. पर ठीक है, मेरे clients बहुत हैं और कुछ मेरे दोस्त भी हैं वो trucking का काम करते हैं, पर you know that's all I can say. ठीक है जी, thank you very much, Ashish. Good luck for your future. Thank you. Bye bye.